मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से yes. तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है yes. नहीं सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं मेरा ये जो ओपिनियन है ना वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देखकर आई हूँ बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है क्योंकि जब हम इलेवेंथ और ट्वेल्थ में थे अभी मैं यू कर रही हूँ यहाँ पर तो जब हम इलेवेंथ और ट्वेल्थ में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था मुझे भी कई बार अप्रोच किया था वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है वो इतनी कॉन्फिडेंट होगी स्पेशली एक लड़की थी मेरी फ्रेंड थी वो मुझे बोलती थी कि तू चल तू चल तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई बी के साथ फ़ोटो पोस्ट करे एग्जैक्टली गाइज एम नॉट लाइक तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब सब फेक होता है Uh, अगर प्रोडक्ट बेचना है, तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है दस रुपए का ले लो उसके पीछा बी एमडब्ल्यू क्यों दिखा रहे हो जो कि वो पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली दैट इज द ट्रूथ कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है जबकि ऐसा कभी था ही नहीं ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है सर इसमें गलत क्या है वैसे सर वो कोई तिगड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तरह से बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे कुछ होता है तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेचना वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है कुछ बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या सही है सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग एटीन टू ट्वेंटी फाइव के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में मैं खुद ने खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी आई नहीं सर सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ आप चोर चोर कह रहे हैं अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिड़ूंगा उस बात से आप अगर नाम लेते तो गलत था कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत होता आपने नाम तो नहीं लिया और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूं तो मैं चिड़ूंगा और एक और मजेदार बात बताइए जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बहुत कम लोगों को अगर वो कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहे थे तो दो दिन में सब भूल भा जाता खत्म हो जाता है मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है मैंने चोरी नहीं करी अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप सर इस इसमें मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप फिफ्टी थाउजेंड का बेच रहे हो तो उसके औकात भी होनी चाहिए उतनी उनके प्रोडक्ट की औकात है सौ रुपये की लेकिन बेच रहे हैं पचास हज़ार में सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूंगा Please, like, किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो तो वो उससे ही बड़ा स्कैम स्कैम है है असली स्कैम ये है। ध्यान से समझ लो सब लोग कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और चार बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर तीस परसेंट पैंतीस परसेंट जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस ये स्कैम है अच्छा इसी में अगर कोई जेन्य प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है सर no, नहीं है ये भी ध्यान से समझ लेना तो मजे की बात ये है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया इसका मतलब क्या निकालोगे अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है तो काम करते हैं एक वीडियो देखते हैं उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है दोस्तों मेरा नाम नीरज है मैं राजस्थान जोधपुर से हूं बड़ा बिजनेस है अभी पाँच दिन पहले चार तारीख को चार सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे चार तारीख़ के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो इसको अच्छे से रीड करो पढ़ो इसको फिर अब साइन करके हमें भेजो तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब पैंतीस हज़ार मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का वन लाख का एक लाख का मेरा लॉस हुआ है दो साल के अंदर एक एक साल मैंने फुल काम किया डी एम टी में पैसा खर्च किया आना जाना बहुत स्ट्रगल किया लेकिन पैसा नहीं कमा पाया एक लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा पैंतीस हज़ार अभी बारीक बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का और जो हमारा एग्रीमेंट एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था चालीस का तो मेरा समीर समीर का नाम है तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि चालीस हज़ार दो सौ नब्बे रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद तो मुझे दो तीन दिन बोलते रहे सर कल होगा परसों होगा चौबीस घंटे अड़तालीस घंटे ऐसे बोलते रहे बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा आप को आप आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया ना मुझे व्हाट्सअप पे रिप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल के भी मत करना एग्रीमेंट साइन पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे देखो भाई एग्रीमेंट क्या है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं हम हमें सिर्फ अपने काम से काम हमें अपने काम से मतलब होता है ना तो हम जब हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया व्हाट्सए ग्रुप भी डिलीट करवा दिया लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना और ना भी वो कर सकते हैं है। है बर्बाद हो गया टाइम भी बर्बाद हो गया मैंने विवेक बिंदा जी पर मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मैं मुझे सुसाइडल आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है मेरे न होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंदा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैं मैंने दस बारह वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं दस बारह अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया अपलोड कर दिया है शेड्यूल कर दिया है अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अलग अलग लोगों की और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं डॉक्टर जब यहां पर यह आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में सब जो हुआ है तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से यूके से कहीं से कुछ नहीं किया है कहां से डिग्री मिली है कैसे मिली है वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा से। <laughs> <laughs> किसने बोला पाकिस्तान से देखो मैं आपको हिंट देता हूं पाकिस्तान इंडिया का नेबर है ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है श्री बांग्लादेश श्रीलंका अभी काम करते हैं अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है उसको स्टडी करते हैं उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां पर जाकर के देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है ये उनके नोटिफिकेशन है सबसे पहले ये समझो कि जो स्कैम्स है ना इस तरह के ये आज से नहीं चल रहे हैं ये पिछले सौ साल से चल रहे हैं तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी खोली वहां पर मैंने आपसे एक लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया अपने फ्रेंड को रिलेटिव को किसी को भी और कैसे भी तो उसमें आपको कितना मिला तीस हजार सत्तर हजार किसको मिला कंपनी को तो स्कीम इस, इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जा करके पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती है पैसा लेकर के पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स है वो आज जेल में है तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं देखो ध्यान से सुनो ध्यान से समझो आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया पचास हजार रुपए बदले में आपको एक पचास रुपए का प्रोडक्ट दे दिया तो क्या वो लीगल है इलीगल है होगा ना कंफ्यूज तो ये एक होल है ये जो लॉ है उसके अंदर इसको ये लोग यूज कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है खिड़की नहीं लिखा है खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना तो जो कंपनीज जेन्य है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है वही उसका ओनर कह रहा है तब तो वो जेन्युन है मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम होम हेफ्टी सब्सक्रिप्शन फीस आर टेकन राधर आरबीआई का कहना है मतलब देखना यह है क्या वो जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं ये सिखा रहे हैं दस दिन का एमबीए <laughs> दस दिन में कौन सा एमबीए होता है मतलब इस हिसाब से आई और एम और जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है साक्षात विवेक बिंद्रा जी <laughs> आपके सामने दस दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको दस दिन में एमबीए करा देंगे प्रोफेसर <laughs> तो साहब एक बात बताइए आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं बीस हजार रुपए की बेच रहा हूं तो क्या वो स्कैम नहीं है और वो पचास हजार का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है इसका क्या मतलब है मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो बीस हजार की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी नॉट इवन पर्सन तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हैं बड़े बड़े ब्रांड्स जिनकी की है, वो बीस हजार रुपए की इमेज खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा पांच से दस लाख रुपए और वो इमेज कितने में मिल गई बीस हजार रुपए में हमने जब वो शूट किया तो हमने दस लाख रुपए लगाया तब जाकर के बीस हजार बेची तो इसमें किसका फायदा है उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है इसको बिजनेस बोलते हैं देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में द रिजर्व बैंक हैज ऑल्सो सेट दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर्स इज अग्निजेबल ऑफेंस प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट मेंब्लिक अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है यू शुड इमीजिएटली लॉज अ कंप्लेन विदेट पुलिस अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं पिरामिड पिरामिम्स चल रही हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं कि वो लीगल है या इलीगल है ये कैसे समझा जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का उसमें क्या कहा गया है ये टोटल तेरह पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, 2021 तो दो हजार इक्कीस में आए थे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहां परिप्शन क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूँ जो समझना बहुत जरूरी है इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वेदर इट इज मल्टी लेवल इट इज सिंगल लेवल वेदर इट इज किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है सबसे पहला रूल क्या है इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव सेलरेशन और इंसेंटिव फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स दे रही है उसकी वैल्यू क्या है पचास हजार तो का कोर्स परचेस किया इनकी कंपनी से और वो सब है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट अगर उसमें से नाइनटी नाइन परसेंट लोग नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम तो बता रहा हूं आपको इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड फॉर अ अक और पॉलिसी फॉर करकेटेबल गुड्स विच आर नॉट अनपैक्ड और सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल कॉमर्शियल टर्म्स मतलब कि कोई बाई बैक का ऑप्शन होना चाहिए किसी कंपनी ने आपको पचास हजार रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है तो अब आप उसका क्या करोगे उस कंपनी को एक बाई बैक पॉलिसी देनी पड़ेगी अब देखना ध्यान से सुनना ध्यान से समझना बाय बैक आप किस चीज पर दे सकते हो जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो क्योंकि अगर तीन महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स पचास हजार का लिया है आपको पांच हजार का देती हूं ले लो कोई लेगा पांच सौ रुपए का लेगा तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है जीरो इट इज क्लियर वॉयलेशन ऑफ दिस एक्ट इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इट वॉज बी संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा इट वर्सिज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो जबरदस्ती आकर के बीच में छलांग मारी है उन्होंने जबरदस्ती मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो मिसलिंग मीन रेकलेसली मिसरिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ सेल

खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का दस लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा yeah. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा क्लॉज नंबर सेवन का टू ई e, एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में इसको ध्यान से सुनना ध्यान से समझना अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शेल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स डेफिशिएंट सर्विसेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है फर्क इससे लॉ क्या है फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए तो आप कोर्ट में जाकर यह नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था क्यों क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है दॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड ऑल एग्रीमेंट्स तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एग्रीमेंट साइन किया है अरे पहले लॉ को तो देख लो लॉ क्या कहता है अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है नो no मैटर उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद ऑफ द लैंड तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा ध्यान से सुनना अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शेल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशियंट सर्विसेज डेफिशियंट वर्ड का क्या मतलब होता है कोई भी ऐसी सर्विसेज़ जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है, या सर्विस दिया है, ये बेकार है किसी काम की नहीं है तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की देखते हैं वो क्या बोलते हैं मैं आपको अपना वाट्सएप का नंबर दूंगा ई एड्रेस दूंगा वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए नहीं भी आना तो आप ई दीजिएगा आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप या या तो, 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 तो तार तार पे वापस ले जाइए लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए दोनों में से कुछ भी कर लीजिए भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का हंड्रेड परसेंट कैश बैक गारंटी यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड लोवेस्ट प्राइस गारंटी ये कौन दे सकता है कोई नहीं दे सकता है इसलिए हमने ये खुल के दिया है आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना आपसे कह रहा हूं आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया गेम चेंज कर दिया पूरा इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल अरे आपसे बोल रहा हूं पूछने में क्या जा रहा है पैसे पैसे तो नहीं नहीं लग रहे फोन फोन करने पे पैसे नहीं लगते पता लगाओ अभी लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूँ हंड्रेड मनी बैक गारंटी वो इसीलिए दे रहा हूँ मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है इज मनी बैक गारंटी अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता तो नो क्वेश्चन नहीं, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए एक बार समझने की कोशिश करते क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का दस लाख रुपए

अगर उसमें से मान लेते हैं तीस परसेंट भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीस को कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया स्कीम में पचास करोड़ तो कितने लोगों के हाथ में आया एक एक करोड़ पचास।, पचास बस और बाकी लोगों का क्या हुआ उनके हाथ में क्या आया जीरो कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है दिस इज कंप्लीट स्कैम अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए वो तो हमने पार्टी में खर्च कर दिया वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना वहां पर डांस करने में बहुत मजा आ रहा था <laughs> अब हमें क्या करना चाहिए क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे सर हमें एक्शंस uh, लेना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एफ जिनके साथ हुआ है उन्हें एफ़ फाइल करना चाहिए लॉ को एक बार देखना चाहिए नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए उससे समझना चाहिए एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है पब्लिक इंटरेस्ट रेडिकेशन तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ जिससे uh, जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो बिकॉज मॉरली ये uh, मतलब गलत है जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं एंड इससे हमारे देश का यूथ खत्म होता जा रहा है जो इस देश को आगे लेके जाएगा सो so, जो लीगल हैं वो लेने चाहिए इस एक्शन को हम दो कैटेगरी एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है मान लेते हैं एक लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले जाकर एफ एफआईआर करनी चाहिए अगर वो पुलिस वाले एफ नहीं करते हैं तो है। लिख करके कर तो पड़ेगी और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफ आई लॉन्च करते हैं तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई सब एक्शन में आ जाएंगे मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है 500 करोड़ का स्कैम है छोटा अमाउंट नहीं होता है और ये पैसा किसका है पब्लिक का है और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी पचास साठ साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18 -19 साल के बच्चे का है, जिसकी में 50 नहीं होते है। तो नंबर वन एफ आई आर लॉन्च करो नंबर टू अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं तो अब आप लोग अकेले नहीं है मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा मान लो दो तीन महीने में मेरे पास में एक करोड़ रुपए आ जाता है तो इस एक करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ स्कैम हुआ है उसका पैसा कहां से आएगा मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले दो तीन महीने तक वहां से आएगा अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड ऑन नहीं करूंगा लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा तो तैयार रहना कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई जरूरत पड़ी तो मैं एक दो महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए छह महीने बाद फिर से एड्स ऑन कर देंगे अपने घर की खेती है क्या दिक्कत है

लिख दीजिए कि आपके साथ में यह ये हुआ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और साथ में सारे इसको पोस्ट एक में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर हैं तो क्या होगा सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा तो गवर्नमेंट की जो भी जाएंगी अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब अभी जो कल वीडियो में आया है ये इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं भाई तू क्या करेगा कर ले अभी कर ले मैं नहीं डरता भाई दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार तू अपनी आंखें दिखा कर अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा <laughs> कैसा प्रोफेसर है थोड़ा तो बुद्धि यूज कर थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर पब्लिकली यहाँ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है क्या ये लीगल है अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं जहां भी आप भेज रहे हैं जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए क्योंकि अगर आपको ई मेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है अब बात करते हैं बाकी के लोग जो आप लोग हो क्या आप जेनुअनली कुछ करना चाहते हो कितने हैं जो जेनुअनली कुछ करना चाहते हैं तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए हर YouTube के कमेंट सेक्शन में Twitter पर Instagram पर हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए उसके पीछे क्या वजह है क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है तो वो क्या करेंगे वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया वो देश छोड़ करके भागेंगे इसका टाइम नहीं देना है तो वो कब हो सकता है जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो तो क्या होगा इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है एक हैशटैग है ध्यान से सुन लो इस हैश को और यहां पर आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको हैश टैग स्टॉप विवेक बिंद्रा रोको इसको भाई